हाय एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड एमके। सो अब हम शुरू करेंगे ऑप्शन एडजस्टमेंट की सीरीज़, जिसमें हम बेसिक ऑप्शंस की जो स्ट्रेटजीज होती हैं तो उसकी एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है वन बाय वन हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में। तो आज की वीडियो शुरू करने का पॉइंट ये है कि मेरा एक फ्रेंड था, उसने किसी का पेड वर्कशॉप वगैरह लिया, उसमें बेसिक स्ट्रैटेजीज़ हैं राइट। ये जैसे आपको सेंसिबल में ही दिखती है ना, आप न्यूट्रल व्यू में आप शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, आयरन बटरफ्लाई ये सब लगा सकते हो। तो वो उनको आजकल इतने ट्रेनर्स, इतने फुरूज हैं मार्केट में कि ये सिर्फ यही स्ट्रैटेजीज बताने के लोग इतना चार्ज कर रहे हैं, और ये स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय कोई भी करवा देगा, बट जब ये स्ट्रैटेजीज नहीं चलेंगी, मान लीजिए आपका जो व्यू है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज जब काम नहीं करती हैं तो एडजस्टमेंट्स वो लोग आपको नहीं बताते हैं। वो बेसिक बेसिक बता देते हैं जितना वो लोग यूट्यूब से सीख लेते हैं, क्योंकि खुद ज़्यादातर ये ऐसे जो टेलीग्राम व्हाट्सएप पे कोर्स पेडलर्स हैं वो उन्होंने खुद कभी ट्रेड नहीं किया है, तो वो गाइड नहीं कर पाते हैं जब कोई भी उनका जो मेम्बर है वो किसी स्ट्रैटेजी में फंस जाता है। तो मेरा पर्पस ये है कि आप सब जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको बेसिक एडजस्टमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक स्ट्रैटेजीज और बेसिक एडजस्टमेंट की नॉलेज आपको हो जाएगी, उसके बाद आप खुद से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं जितना मर्जी चाहे। उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर मैंने एक PPT बनाई है आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑप्शंस जो है उनका जो प्रीमियम, उनका जो प्राइस है वो बिहेव करता है फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग। तो फ्यूचर्स जो है एक मंथली मतलब एक्सपायरी का प्रोडक्ट है, बट हम लोग वीकली ऑप्शंस भी क्योंकि ट्रेड करते हैं तो वीकली ऑप्शंस के लिए हमें सिंथेटिक फ्यूचर को निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद टुडेज शॉर्ट स्ट्रैंगल, एक सबसे बेसिक जो मोस्ट पॉपुलर स्ट्रैटेजी है जिसमें बहुत सारी वीडियोस भी होंगी, उसको मैं बहुत ही बेसिक में कवर कर दूंगा, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको कहीं पे भी कुछ भी सर्च करोगे शॉर्ट स्ट्रैंगल क्या है, उसकी बेसिक एडजस्टमेंट क्या है मिल जाएंगी। मैं थोड़ा सा उससे बेसिक से ज़्यादा बता दूंगा, और या फिर जो मैंने यूज़ करी होंगी मैं आपको वो बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंथेटिक फ्यूचर क्या होता है? सिंथेटिक फ्यूचर होता है आप जैसे फ्यूचर बाय करते हैं, अगर आपको फ्यूचर ना बाय करके ऑप्शंस के थ्रू फ्यूचर, अगर फ्यूचर जैसा मतलब प्राइस बिहेवियर अगर आपको चाहिए तो उसको सिंथेटिक फ्यूचर बोलते हैं। सिंथेटिक फ्यूचर का निकालने का फॉर्मूला ये है, मान लीजिए आप किसी वीकली ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं और आप मंथली का फ्यूचर नहीं देखेंगे, क्योंकि कहाँ एक्सपायरी होनी है उसके लिए उस वीक का सिंथेटिक फ्यूचर क्या बनता है उसको निकालना या उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही कॉल और पुट के प्रीमियम्स फ्लक्चुएट होते हैं। थोड़ा सा डिमांड एंड सप्लाई के वेरिएबल्स भी होते हैं, बट ओवरऑल सिंथेटिक फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमें क्लियर आइडिया लगेगा कि एस हम एक्सपायरी डे के नियर है तो हमारे जो कॉल और पुट के प्राइसेस है वो कहाँ पे लाइकली एक्सपायरी के टूवर्ड्स हैं, और अभी सिंथेटिक फ्यूचर क्या है। तो सिंथेटिक फ्यूचर का सिंपल फॉर्मूला है, आप जो भी स्ट्राइक चूज करेंगे वो उसमें आप कॉल का प्राइस ऐड करेंगे और पुट का प्राइस माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे एट द मनी निफ्टी चल रहा है 19,700 पे राइट, अगर उसका एट द मनी स्ट्राइक निकालेंगे तो 19,700 स्ट्राइक का जो कॉल का प्राइस है वो अभी 97 रुपीज़ है। ये अभी मैंने एज ऑफ क्लोजिंग मार्केट लिया है, अभी आपको मैं ऑप्शन चेन में भी दिखा दूंगा। 97 रुपीज़ इसमें ऐड करेंगे और पुट का प्राइस माइनस करेंगे तो 19,705, ये आपका सिंथेटिक फ्यूचर का प्राइस कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। अभी क्योंकि हम सितंबर एक्सपायरी पे आ गए हैं और वही वीकली एक्सपायरी ही मंथली एक्सपायरी है तो ये सेम होगा, बट जैसे आप अगले अक्टूबर की एक्सपायरी में जाएंगे, अगले वीक इसको जब देखेंगे तो अक्टूबर की जो एक्सपायरी होगी मंथली वाली वो उसका फ्यूचर का प्राइस अलग होगा, बट अगर आपको सिंथेटिक उस वीक के फ्यूचर का प्राइस कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस अकॉर्डिंग आपकी जैसे जैसे वीकली एक्सपायरी पास में आएगी आपकी प्रीमियम्स भी उसके अराउंड बिहेव करेंगे। तो अगर आप जीरोधा के यूज़र हैं तो आपको सेंसिबल फ्री में मिलता है, और आप
सेंसिबल के थ्रू वीकली ऑप्शंस में, वीकली ऑप्शंस की ऑप्शन चेन में इन्फो टैब एक होता है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है, ये जैसे कि इसमें एनालाइज है, एनालाइज में ऑप्शन चेन में जाना है। तो अब आप देखिए ये निफ्टी का जो अभी करंट क्लोजिंग प्राइस है 19674 और एट द मनी जो है हमारी स्ट्राइक 19700 है। तो 19700 प्लस 97 माइनस 92, राइट, यही मैंने यहाँ पे भी लिखा है 19700 प्लस 97 माइनस 92, या आपका पूरा प्लस माइनस करने के बाद 19705 आएगा। ये जो सिंथेटिक प्राइस है आपको यहाँ पे इस पे इन्फो टैब पे भी क्लिक करेंगे, यहाँ पे अभी एक्सपायरी 28 की क्लिक की हुई है, यहाँ पे आप इन्फो टैब पे क्लिक करेंगे आपको यही फ्यूचर्स का प्राइस यहाँ पे भी मिलेगा, एट द मनी प्राइस क्या है और बाकी के सारी आई वी पी सी आर मैक्स पेन वो सब भी मिल जाता है। इसी तरीके से आप जैसे आप 5th अक्टूबर की एक्सपायरी में जाएंगे उसमें 756, 788, 26 अक्टूबर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपायरीज के डिफरेंट डिफरेंट कॉल और पुट के प्रीमियम्स है और इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो नॉलेज हमें सिंथेटिक फ्यूचर की होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब वीकली ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि वो हमारे स्पॉट से, हाँ मतलब अभी मंथली एक्सपायरी में अगर आप हो तो मंथली एक्सपायरी में स्पॉट और फ्यूचर लास्ट में कन्वर्ज हो जाएंगे, एक ही प्राइस हो जाएगा, बट वीकली में ऐसा नहीं होता है। तो वीकली के लिए उसका सिंथेटिक फ्यूचर क्या है वो जानना ज़रूरी है ताकि हम उसके प्रीमियम्स का फ्लक्चुएशन समझ पाए। अब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले तो इसमें ये समझेंगे कि ये शॉर्ट ट्रायंगल होता क्या है। तो शॉर्ट ट्रायंगल का मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया, आप इसमें जा सकते हैं, यहाँ पे आप ट्रेड में जाइए, ट्रेड में आप स्ट्रैटेजी बिल्डर में चले जाइए, स्ट्रैटेजी बिल्डर में आपको जैसे न्यूट्रल एक स्ट्रैटेजी है शॉर्ट ट्रायंगल में हम लोग कॉल और पुट दोनों सेल करते हैं एक रेंज में ट्रेड करने के लिए। अगर आपका व्यू है कि रेंज बाउंड मार्केट रहेगा तो थोड़ा मैं जैसे रेंज अगर बड़ा करूं तो ये एक आपको रेंज में मार्केट को प्ले करने के लिए ये स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी में आप कॉल और पुट दोनों की आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स को सेल कर देते हैं, तो इसको हम लोग शॉर्ट ट्रायंगल बोलते हैं। इसी को मैंने इस स्लाइड में भी रखा है, ये दोनों 19400 का पुट और 9900 का कॉल जैसे आपने सेल किया तो आपको 44 रुपीज़ का प्रीमियम मिलता है 17+27, या फिर मनी के टर्म्स में लाइक 44×50 लॉट साइज आपको 2200 का क्रेडिट अमाउंट रिसीव होता है आपके अकाउंट में, क्योंकि इस ये स्ट्रैटेजी में कोई हेज नहीं है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक अनलिमिटेड लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मूव आ जाए। और इसके ब्रेक इवन आपको यहाँ पे दिखाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, मार्जिन कितना लगता है, राइट, आपको कितना फंड चाहिए, कितना मार्जिन चाहिए, वो सब आपको सेंसिबल में यहाँ पे दिखाता है। तो ये इसके बारे में आई थिंक ऑलरेडी जो लोग ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द ऑप्शन सेलर्स को शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रेटजी क्या है मालूम है, और ये मोस्टली सबसे पॉपुलर स्ट्रेटजी भी है जिसको सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड भी करते हैं और सबसे ज़्यादा लोग फंसते भी इसमें हैं अगर वो ढंग से इसको टाइमली एडजस्ट नहीं कर पाते। तो ये तो हो गया कि स्ट्रेटजी है क्या। अब इसी स्ट्रेटजी को आप उल्टा भी लगा सकते हैं, उल्टा मतलब इन द मनी के अगर आप स्ट्राइक को सेल करो तो जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, राइट, दो मिनट के लिए हम ये सारे क्लियर कर देते हैं, बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रेटजी कर देते हैं। तो हम इन द मनी का एक पुट सेल कर देते हैं, जैसे ये वाला, सॉरी, सेल करते हैं और इन द मनी का एक कॉल सेल कर देते हैं, राइट। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इन द मनी का जब कॉल और पुट को सेल किया है, राइट, तो इस स्ट्रेटजी को इन्वर्टेड स्ट्रैंगल बोलते हैं, और क्योंकि शॉर्ट किया है तो इसको दोनों को शॉर्ट स्ट्रैंगल बोलते हैं। अगर हम इन दोनों को बाय करते हैं तो इसको लॉन्ग स्ट्रैंगल बोलते हैं, ठीक है। ये तो हुआ बेसिक स्ट्रैटजी क्या है। अब आगे चलते हैं हमारी जो मेन पॉइंट है उस पर कि ये कब डिप्लॉय करनी है, कब नहीं डिप्लॉय करनी है, एडजस्टमेंट अगर करनी है तो कैसे करनी है। तो इसको मैंने आप सबके लिए यहाँ पे इजीली एक पॉइंट बुलेट पॉइंट्स में लिखा है। तो सबसे ज़्यादा
शॉर्ट ट्रायंगल डिप्लॉय करने के जो तरीके हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडर्स डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से इसको ट्रेड करते हैं। पहला तो होता है प्रीमियम बेस्ड ट्रायंगल्स। तो इसमें क्या होता है कि ट्रेडर्स जो है वो एक पर्टिकुलर रिटर्न को टारगेट करते हैं कि मंथ इस वीक में मेरे को 2% बनाना है या 1.5% बनाना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला स्ट्रैटेजी में मेरे को 1.2 मिल रहा है, तो अगर मेरे को 1. मेरा टारगेट है कि इसको लगभग लगभग 2% के अराउंड ट्रेड करना है, तो मैं कुछ इस तरीके का सेटअप 2.5% के लिए। तो ये हो गया परसेंटेज या प्रीमियम बेस में इसकी, ये इन द मनी का एग्जांपल हो गया इन्वर्टेड ट्रायंगल का। इसी तरीके से एग्जांपल आपका आउट ऑफ द मनी का भी हो जाएगा। तो प्रीमियम को अगर मैं टारगेट करूँ एक परसेंटेज रिटर्न के लिए, अगर मेरा व्यू सही जाए, तो ये एक डिप्लॉय करने का फर्स्ट तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है ओपन इंटरेस्ट बेस्ड। तो ओपन इंटरेस्ट बेस क्या है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओआई मैंने अभी हाइड किया हुआ है, यहाँ पे आप शो ओपन इंटरेस्ट करोगे तो ऐसे शो ओपन इंटरेस्ट हो जाएगा। इसमें आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे 19,800 पे सबसे ज़्यादा कॉल सेलिंग है और सबसे ज़्यादा आपकी लगभग लगभग आउट ऑफ द मनी में 19,500 पे है, राइट। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 19,500 का पुट सेल कर सकते हैं, राइट, और 19,800 का कॉल सेल कर सकते हैं। तो अब ये आपके जहाँ पे हाईएस्ट ओआई है वहाँ पे आपका सेलिंग आ सेलिंग हो गई है। और उसके बाद लोग उसी सिर्फ ओआई के ओआई को ही ट्रैक करते हैं और उसी के बेसिस पे अपनी स्ट्राइक्स को एडजस्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका मेथड नंबर टू, जिसमें ओपन इंटरेस्ट के बेस पे लोग स्ट्रैंगल या ट्रेडर्स जो है मैक्सिमम स्ट्रैडल डिप्लॉय करते हैं। इसके अलावा जो तरीका होता है कि लोग जो प्राइस एक्शन से ज़्यादा ज़्यादा उससे जुड़े हुए हैं, जिससे ज़्यादा हैबिट है, तो मैं भी पर्टिकुलरली अगर देखता हूँ तो प्राइस एक्शन को ज़्यादा देखता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ से रिवर्सल हुआ है पहले भी, इससे ऊपर एक और अगर मेरा सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है वो लेवल्स क्या है, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलरली सेफ सेफ रहेगा। उससे पहले अगर एक रेजिस्टेंस है तो मेरे सेकंड रेजिस्टेंस तक शायद नहीं जाएगा, मेरे को चांस मिलेगा एडजस्ट करने का। तो इसमें लोग स्विंग हाई और स्विंग लोज को पकड़ के या सेकंड स्विंग हाई सेकंड स्विंग लोज इनको पकड़ के कॉल और पुट की सेलिंग करते हैं। ये आपका पॉइंट नंबर थ्री है, जिसमें आप स्विंग हाईज लोज को पकड़ के प्राइस एक्शन की मदद से चार्ट के बेस पे लेते हैं। एक हो गया प्रीमियम बेस, एक हो गया ओआई बेस, एक हो गया आपका चार्ट बेस, और लास्ट होता है आपका लेवल बेस्ड। लेवल बेस्ड होता है कि आप प्रीवियस वीक हाई या प्रीवियस वीक लो वो पॉइंट्स पे जो उसको राउंड ऑफ करके जो स्ट्राइक आती है उसको आप उसको ट्रेडर्स यूजुअली एक ट्रायंगल डिप्लॉय करने का भी मेथड मानते हैं। इन्वर्टेड ट्रायंगल्स मैं बता चुका हूँ, ये इन द मनी सेलिंग होती है, ये ज़्यादातर मैं नहीं करता हूँ और इसके बहुत सारे रीजन्स हैं मेरे पास। और ट्रेडर्स जो है अभी यूजुअली, मतलब अभी तो हर हफ्ते हर दिन एक्सपायरी है, किसी दिन निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, फिन निफ्टी की या सेंसेक्स की एक्सेट्रा, बट यूजुअली लोग इसको थर्सडे टू थर्सडे पहले ट्रेड करते थे, मतलब वीक टू वीक जाते थे और अपनी स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय करते थे। इसको कब नहीं डिप्लॉय करना है, जब आपका कोई ऐसा व्यू हो या आपको मालूम हो कि ओवरनाइट कोई फेड की अनाउंसमेंट है या कुछ इंटरेस्ट रेट्स की अनाउंसमेंट है या कुछ भी ओवरनाइट कोई न्यूज़ आने वाली है, कोई डेटा रिलीज होने वाला है, जिसकी वजह से सुबह मीनिंग नेक्स्ट डे मेजर गैप अप या गैप डाउन का रिस्क हो। अगर आप 4 मंथ का ट्रेड कर रहे हैं, लाइक अभी मैं नवंबर का या दिसंबर का ट्रेड अगर ले लूँ, तो मुझको ये देखना होगा कि आने वाले जो मेरे कुछ महीने हैं उसमें वॉलीटिलिटी या ग्रीक्स के टर्म्स में वेगा है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने का चांस ना हो। अगर ऐसा कोई चांस है, जैसे कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं और शायद ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो इंडिया विक्स है या वेगा कंपोनेंट्स हैं ऑप्शंस का वो बढ़ेगा, तो 4 मंथ पे ज़्यादा वॉलीटिलिटी का इम्पैक्ट आता है, तो उसमें भी हमको थोड़ा सा कॉशियस रहना है या फिर नहीं डिप्लॉय करना है अगर, तो ये सारी चीज़ें चेक करने की। लास्टली आपको ये देखना है कि अभी क्या आपका जो भी आप बैंक निफ्टी में कर रहे हैं क्या उसमें कोई मेजर ब्रेकआउट हो रहा है, मेजर ब्रेकडाउन हो रहा है, ताकि कोई अगर डायरेक्शनल मूव वन साइडेड मूव आए तो वो इस स्ट्रैटेजी के लिए सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि आपका व्यू है साइडवेज मार्केट ट्रेड करने का। और अगर
डायरेक्शनल मूव आती है तो वो आपके लिए एक रेड अलर्ट या एकदम एकदम रिस्की है, जिसको अगर आप जिसमें फंस जाओगे तो उसमें आपको या तो लॉस बियर करना पड़ेगा या फिर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन डिप्लॉय कर करके उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये है आपको कब देखना है कि कब नहीं डिप्लॉय करना है। और अगर मान लीजिए आपने डिप्लॉय किया और आपको ब्रेकआउट दिख गया है, तो आपको तुरंत जो उस साइड पे जो आपकी नेकेड सेल पोजीशन है उसको काट देना चाहिए, या फिर उसमें हेज वगैरह आपको ले लेना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके पॉसिबल एडजस्टमेंट बहुत सारे हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट, जो सबसे कॉमन एडजस्टमेंट और जिसके बारे में आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, वो ये है रोल अप और रोल डाउन। रोल अप और रोल डाउन आपको सब लोग बताते हैं, बट आपको ये नहीं बताता है कि रोल अप और रोल डाउन कब करना है और क्या करना है। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है। आपको रोल बिहाइंड तब करना है। रोल बिहाइंड मतलब जैसे कि मैं आपको एक बार स्ट्रैटेजी पर ले जाता हूँ। जैसे कि ये हमारी एक स्ट्रैटेजी लगी है। अब इसमें मुझे रोल बिहाइंड मतलब ये मेरी जो मान लीजिए हमारी अप मूव आ गई, यहाँ से अप मूव आ गई है। एक मिनट के लिए मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे अप मूव ऊपर जा रहा है, तो मुझे ये वाला कॉल का जो मेरा 19800 का है वो मुझे पीछे शिफ्ट करना है, ताकि मेरी जो न्यू स्ट्रैटेजी बने वो यहाँ से ऐसे ही बने। इसे बोलते हैं रोल अप। आप कॉल को बोले कि रोल अप किया है मैंने या रोल बिहाइंड किया, वो एक ही बात है। ये आपको तब करना है जब आपको ऐसा व्यू लगे कि मुझे एक्स्ट्रा रेंज की ज़रूरत है। जब आप ऐसा करेंगे तब आप जो आपने पहले क्रेडिट रिसीव किया था उससे अब कम क्रेडिट रिसीव करेंगे, बट आपका रेंज इंक्रीज होगा, राइट? तो यही मैंने यहाँ मेंशन किया है कि रोल बिहाइंड एंड इंक्रीज द ब्रेक इवन रेंज बाय डिक्रीजिंग द प्रीमियम रिसीव। क्योंकि अब आप एक दूर वाला ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, पास वाला जो आपका पहले था उसको काट दे रहे हैं, तो अब आपको कम प्रीमियम रिसीव होगा, बट उस कम प्रीमियम के मतलब ट्रेड ऑफ में आपको एक बेटर रेंज मिलेगी। तो दैट इज वन। दूसरा तरीका ये है कि आपको रोल डाउन कब करना है। जैसे कि क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि जो आपकी ये पुट की स्ट्राइक है उसको भी आप इधर मूव करें, राइट? वो आप तब मूव करेंगे अगर आपकी ये वाली प्रीमियम, ये वाली जो पुट की आपकी स्ट्राइक है, ये वाली आपकी पुट की अगर स्ट्राइक है वो ज़्यादा डिके हो गई है, लाइक मोर देन 50%, 55% का इसमें डिके आ गया है, तो आप यहाँ पे इसको मूव करके 19600 पे लेके आ सकते हैं, ताकि आप थोड़ा और प्रीमियम रिसीव करें और आपका पूरा जो न्यूज ट्रायंगल है वो यहाँ पे आ जाए और आपकी आप डेल्टा को मैनेज कर पाओ। डेल्टा मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट जो आ रहा है आपकी स्ट्रेटजी में उसको मैनेज कर पाओ, राइट? अगर तो ये डिके हो गया है तो आप इसको पुट को ऊपर रोल अप करिए। अगर इसमें डिके नहीं हुआ है देन इट इज एडवाइजेबल आप थोड़ा रेंज को इंक्रीज करिए अभी, क्योंकि अभी इसमें डिके नहीं हुआ है और अभी इसमें डिके हो जाएगा जब, तब आप इसको मूव कर सकते हैं ऊपर में। और अभी ये तो है कि आपने एक्स्ट्रा कोई मार्जिन नहीं डिप्लॉय किया, आपका इनिशियल स्ट्रैटेजी को आप अपने पूरे के पूरे स्ट्रैंगल को शिफ्ट कर रहे हैं या एक एक लेग को शिफ्ट कर रहे हैं, इसमें कोई एडिशनल मार्जिन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आपको तब देखना है कि आपका प्रिवेलिंग कंडीशंस कैसी है, ब्रेकआउट मतलब थोड़ा सा आपको इसमें प्राइस एक्शन या कुछ चार्ट की नॉलेज हो तो उसको भी देख के कर सकते हैं आप। नहीं तो आप पूरा इसको रूल बेस्ड भी जा सकते हो कि कितना परसेंट मेरा प्रीमियम डिके हुआ है फ्रॉम द प्रॉफिटेबल साइड। अगर नहीं हुआ है तो मैं इसको अभी होल्ड करूंगा और प्रॉबेबली मैं रेंज इंक्रीज कर लूंगा दूसरी साइड से, और अगर इसमें अच्छा मेरा डिके हो गया है तो मैं ऊपर से और क्रेडिट लूंगा और मैं अपनी रेंज को कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा अगर सेलिंग एक्स्ट्रा क्रेडिट अगर मैं यहाँ से बेचूंगा तो मेरे को यहाँ पे भी ऊपर पीछे का ब्रेक इवन शिफ्ट होता है, राइट? तो मेरे को एडिशनल क्रेडिट मिलेगा। बट ये आपको तब करना है जब आपका व्यू हो कि हाँ मैं क्रेडिट ले लेता हूँ, बट अभी ये मूव आ गई है, बट ये मूव यहाँ से ऊपर और नहीं जाएगी, शायद यहाँ से एक रिवर्सल आ जाएगा। ओके, तो ये है हमारा रोल अप रोल डाउन। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को रेंज बढ़ाने के लिए। जैसे कि हमारी ये इनिशियल स्ट्रैटेजी लगी है, उसमें आप बुल या बियर डेबिट स्प्रेड लगा सकते हैं, रेशो स्प्रेड लगा सकते हैं, या अगर हम एक्सपायरी के पास में हैं
तो हम एक डायरेक्शनल व्यू के साथ बटरफ्लाई लगा सकते हैं। ये रेशियो स्प्रेड्स, बटरफ्लाई, इन पे मैं आगे अलग से भी वीडियोस बना दूंगा, क्योंकि इनमें इसको भी अगर आप स्टैंड अलोन ट्रेड करो तो इनमें भी एडजस्टमेंट्स की स्कोप है। तो पर मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक जैसे बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको हम क्लियर करेंगे और ये जैसे हमारी इनिशियल है। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ डायरेक्शनल मूव आती है, ऐसे कोई डायरेक्शनल मूव, मान लीजिए यहाँ से 1% निफ्टी ऊपर जा रहा है, हमारे ब्रेक इवन को ब्रीच कर रहा है, तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम एक इसमें अभी तो प्रीमियम सेम ही है, मतलब उस टाइम पे प्रीमियम अलग होंगे रनिंग मार्केट में, जब आप डिप्लॉय करेंगे तब आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि इसमें मैं एक बाय करूँगा और दूर का मैं जैसे यहाँ पे कोई सेल कर सकता हूँ। तो उसमें आपको और रेंज इंक्रीज करने के लिए अब हमने क्या किया कि एक बाय किया और 38 वाला, मान लीजिए 13 वाला सेल किया है, तो हमने डेबिट पे किया है, तो हमने जो इनिशियल क्रेडिट रिसीव किया था उसमें से हमने डेबिट पे किया है, पर हमने देखो रेंज इंक्रीज कर ली है। यस आई एग्री कि आपको ये वाले प्रीमियम उस टाइम पे नहीं मिलेंगे जैसे जैसे एक दो दिन बीत जाएंगे, क्योंकि दूर का ऑप्शन ज़्यादा आपका डिके हो गया होगा और पास वाले में फिर भी प्रीमियम होगा, बट ये वन ऑफ द ऑप्शन है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसी को ही अगर आप दो बार सेल करोगे तो आपका ये 1:2 का आपने रेशो डाल दिया, राइट। पर इसमें आप क्योंकि जब आप ये करोगे, क्योंकि एक और सेल आपने एडिशनल इंट्रोड्यूस कर दी, तो अब पहले आपका एक नेकेड था, दो नेकेड हो गया, तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट इसमें बढ़ जाएगा, राइट। तो आप बुल कॉल स्प्रेड डाल सकते हो, नीचे का मूव आया तो पुट डेबिट स्प्रेड डाल सकते हो, रेशियो स्प्रेड डाल सकते हो, आपके पास मार्जिन है। या जैसे कि अगर कल एक्सपायरी है और मुझे लग रहा है कि शायद ऊपर जा सकता है, तो मैं यहाँ पे एक बटरफ्लाई, जैसे कि यहाँ पे मैं एक बटरफ्लाई भी बना के छोड़ के जा सकता हूँ, अगर मेरे को लगता है कि मार्केट यहीं अभी यहाँ है और शायद कल इसी किसी जोन में एक्सपायर हो सकती है, और पीछे से अगले दिन मैं ये पुट को भी ऊपर ला सकता हूँ, ऑलरेडी जो मेरा पुट का स्ट्राइक है, धीरे धीरे मैं इसको भी यहाँ पे ऐसे ऊपर ला सकता हूँ जैसे जैसे एक्सपायरी मेरे पास में आ जाएगी, राइट। तो ये आपका दूसरा एक तरीका हो गया जिसमें आप रेंज को इंक्रीज कर सकते हो, बट इसमें आपको मार्जिन अगर आपके पास है तो वो इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। दूसरा एग्जांपल हमारा है एडिशनल सेलिंग का। इसमें भी आपका देखिए, जैसे भी हम जब एडिशनल सेलिंग करते हैं या कोई एडिशनल स्ट्रैटेजी से कॉम्प्लीमेंट करते हैं हमारी इनिशियल स्ट्रैटेजी को, तो यूजुअली ट्रेडर्स को पता होता है कि क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, एक नॉन डायरेक्शनल व्यू वाली है। हाँ, 60-70% टाइम होता है कि मार्केट हमारे रेंज में रहती है, रेंज बाउंड रहती है, बट कभी कभी डायरेक्शनल मूव आती है तो उसमें बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि अनलिमिटेड लॉस की इसमें स्ट्रैटेजी है, राइट। नेकेड आपकी पोजीशन चले तो इसमें पूरा कैपिटल एक साथ ट्रेडर्स नहीं डालते, वो बफर कैपिटल इसमें रखते हैं एक्स्ट्रा सेलिंग करने के लिए या फायर फाइटिंग करने के लिए या फिर अगर डायरेक्शनल मूव आ जाए तो डायरेक्शनल को प्ले करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे कि आपका अप मूव आ गया तो आप नीचे की पुट की साइड से एक्स्ट्रा नेकेड पुट सेल कर सकते हो, अगर आपके पास बफर कैपिटल है सेल करने के लिए। और आप क्या कर सकते हो कि आप अगर आपका प्रीमियम ऑलरेडी डिके हो गया है तो आप नीचे वाला जो हमारा पुट, ओरिजिनल जो हमारी पुट की स्ट्राइक थी, उसको भी आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, और साथ में जब आप शिफ्ट करो तो एडिशनल लेग, मतलब एडिशनल क्वांटिटी के साथ में शिफ्ट करो पुट से। तो ये हो गया आपका एडिशनल सेलिंग। एडिशनल सेलिंग का एक और वेरिएशन जो होता है वो होता है मार्टिंगल। मार्टिंगल में मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने 10 रुपीज़ का कॉल और पुट सेल किया है, अब मूव आ गई एक और दो दिन में, जो आपका कॉल था वो 10 से 20 हो गया, तो आपको इसमें मार्टिंगल में क्या करते हैं कि जैसे आपका कॉल का प्रीमियम डबल हो गया तो वो डबल जो हुआ है कॉल उसको बुक कर लेंगे, और उस टाइम पे 10 रुपीज़ का जो भी प्रीमियम कॉल चल रहा होगा आउट ऑफ द मनी और पीछे का, उसको डबल क्वांटिटी में सेल कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि मैंने क्रेडिट उतना ही रिसीव किया है, बट मेरे पास क्योंकि एक्स्ट्रा मार्जिन था तो मैंने अपनी कॉल साइड में एक लॉस मेकिंग लेग को डबल कर दिया है क्वांटिटी। ये अगर आपका व्यू है कि हाँ अभी मूव आ गया है बट ये शायद लाइकली
वापस चला जाएगा। ये आपको तब बिल्कुल नहीं करना है जब आपको लग रहा है कि नहीं, है और भी जा सकता है ऊपर। जब जब आपको लगे और भी ऊपर जा सकता है, आप जो भी चार्ट या इंडिकेटर या कुछ भी डेटा जो भी रीड करते हैं, तब आपको हेजिंग के साथ में ही इसको हैंडल करना है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि हाँ पॉसिबल, लाइकली रिवर्सिबल है, कोई आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो ऐसी स्ट्रैटेजीज आप कर सकते हैं। और इसको एक बार से ज़्यादा मत करिएगा स्मार्ट एंगल को, क्योंकि एक से दो करेंगे तो दूसरे बार से जब आपको दोबारा स्मार्ट एंगल करना होगा तो चार हो जाएगा, आपकी नंबर ऑफ नेकेड लेग्स जो है बढ़ जाएंगी, और उतना ही आपका ओवरनाइट रिस्क बढ़ जाएगा अगर आप इसको कैरी करके जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए आपने सारी फायर फाइटिंग करी और उसके बाद भी आपको, मान लीजिए आपको 2000 का ही प्रॉफिट होना था अगर वो आपके रेंज में रहता, बट आपको मान लीजिए इस एक्सपायरी में 1500 का लॉस हो गया। तो कई बार ट्रेडर्स ऐसा भी करते हैं कि क्योंकि ये पूरे पिछले हफ्ते उनको दिखा कि मार्केट में रेंज आया, एक 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 ट्रेंडिंग मूव आया, अभी शायद साइडवेज मार्केट होगा। लाइक जनरल मार्केट बिहेवियर ऐसा होता है कि एक ट्रेंड आता है, फिर साइडवेज आता है, फिर ट्रेंड आता है, फिर साइडवेज आता है, राइट? तो सेकंड वीक में वो क्या करते हैं कि वो ओरिजिनल स्ट्रैटेजी को फिर से डिप्लॉय करते हैं, बट इस बार डबल द क्वांटिटी में डिप्लॉय करते हैं अगले वीक में। तो उसको भी एक तरीके से ओवरऑल स्ट्रैटेजी पे मार्टिंगल भी करते हैं, ना ही सिर्फ एक सिंगल लेग पे करते हैं, बट ओवरऑल पूरी की पूरी पोजिशन को अगले वीक में भी आप डबल कर सकते हैं। तो ये एक और एक स्ट्राइल है। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे कि कभी कभी होता है कि हम लोग, जैसे मैंने निफ्टी की कोई पोजीशन ली है, मैंने मंथली मंथली कोई स्ट्रैंगल लगाया हुआ है। अब जैसे जैसे क्या होता है कि मूव आ रही है, अप मूव आ रही है, और उस अप मूव को मुझे हैंडल करना है, तो डाउन मूव को तो इसमें हैंडल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम इसमें एडिशनल हम ETF या Nifty 20 को बाय कर रहे हैं या स्टॉक को बाय कर रहे हैं। बट अगर अप मूव आ रहा है उसको अगर मुझे हैंडल करना है, तो इसका हैंडल करने का एक ये भी तरीका है कि मैं उसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज अपनी 20 से ऐड करता जाऊं, ताकि और ऊपर जाएगा तो मेरे को 20, जो मेरी स्ट्रैटेजी में मुझे लॉस आएगा उतना मेरे को Nifty 20 में प्रॉफिट आ जाए, उतने क्वांटिटीज को मुझे कैलकुलेट करके एडजस्ट कर सकता हूँ। लास्ट एक एडजस्टमेंट का पॉसिबल तरीका ये है कि आप पूरा का पूरा स्ट्रैंगल है उसको कट कर दो और एक दोबारा से डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैंगल लगा दो। हाँ, क्योंकि आपको इनिशियली मूव आई होगी तो उसमें लॉस ज़रूर हो गया होगा, बट वो लॉस को मिनिमाइज करने के लिए या कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल जाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि लोग काट के एक दोबारा से नया स्ट्रैंगल दोबारा भी डिप्लॉय कर लेते हैं, कि अब उनको लगता है कि जो मूव होनी थी वो हो गई, या कोई न्यूज़ की वजह से कुछ मूवमेंट आ गई, वो आनी थी आ गई। तो ये बहुत सारे, मतलब तरीके बहुत सारे हैं, बट आपको एज आई सेड, जो भी आपका स्टाइल है, चार्ट बेस्ड, प्राइस एक्शन बेस्ड, इंडिकेटर बेस, डेटा बेस, देखना सब चाहिए, बट जिससे आपको हिस्टोरिकली फ़ायदा हुआ हो या जिस पे आप कंफर्टेबल हैं, आपको वही करनी चाहिए। और इसके अलावा मैं खुद पर्सनली जब इसको ट्रेड करता हूँ, कई बारी मैं लगा के छोड़ भी देता हूँ क्योंकि मैं अलर्ट्स लगा के जाता हूँ। तो आप अलर्ट्स लगा के जाइए कि भाई जैसे 19,800 से नीचे चला जाए तो अलर्ट आ जाए, मैं किसी काम में बिजी भी हूँ तो मैं 2 मिनट में अलर्ट वगैरह देख के अपना जो भी मुझे एडजस्टमेंट करना है कर लूँ। तो आप अलर्ट अलर्ट रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन अपनी हेज में रखिए, क्योंकि हेज इज़ दी रियल एज इन दी मार्केट। और इन सब चीज़ों के लिए आपको यूट्यूब पे आराम से वीडियोस मिल जाएंगी। किसी फुरू को आपको कोई 10,000, 15,000, 20,000 की उनकी कोई कोर्स वोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यूट्यूब पे मिलता है। और आप खुद से इसको और इम्प्रोवाइज करेंगे, आपको शायद इसमें 2 या 3 और भी एडजस्टमेंट करने के तरीके मिल जाएं, क्योंकि क्रिएटिविटी और इनोवेटिव आप जितने हो सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसके साथ मैं वीडियो एंड करना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पहुँचे और वो फालतू के पेड प्रोग्राम्स में पैसे अपने ना फंसाएं। और इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा प्रॉबेबली मैं बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी पे बनाऊंगा, कि बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी को कैसे एडजस्ट करना है। मतलब बटरफ्लाई हम बियरिश और बुलिश व्यू वाला भी देखेंगे, कि वैसे भी बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी में एक पूरा हेज स्ट्रैटेजी है, उसमें लॉस कम ही होता है, बट उसको भी हम लोग कम कर सकते हैं या लॉस फ्री कर सकते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और भी आने वाली कुछ वीडियोस होंगी इस पूरी सीरीज में, तो उसमें जब आप ये सब समझ जाएंगे तो आपको एक
हाँ आपके माइंड में ये सारी चीज़ें हिट होंगी और आप पॉसिबली एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। प्लस आप जो भी आप समझे या कहीं से भी सीखे, आप उसको किसी सिमुलेटर में टेस्ट करके देखिए कि क्या स्ट्रेटजी वन से स्ट्रेटजी एडजस्टमेंट नंबर वन में करता तो क्या होता, एडजस्टमेंट नंबर टू होता तो मैं क्या करता, एक ट्रेंडिंग मूव में एडजस्टमेंट नंबर फोर में मैं क्या करता तो क्या होता, कौन सी करनी चाहिए थी। तो जितना सिमुलेशन करेंगे या बैठ के उतना आपको क्लैरिटी मिलेगा। बिना मतलब कहते हैं ना कि यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल तभी आपको पता चलेगा, किसी की भी वर्कशॉप से नहीं पता चलेगा ना ही सिर्फ, और मैं ये भी बोलता हूँ मेरी वीडियो से भी आपको ऐसा नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे ना तब तक आपको नहीं पता चलेगा। मैंने भी प्रैक्टिकल करके ही ये सारी चीज़ें सीखी, समझी और जानी है डिटेल में, बारीकी से। तो वही मैं आपको सबको अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करता हूँ कि एक बार करो तभी पता चलेगा। जितना वीडियो देख लोगे वो सिर्फ इंफॉर्मेशनल है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे तो दूसरे दिन सब भूल जाओगे। चलिए इसी के साथ मैं एंड करता हूँ। साइनिंग ऑफ योर फ्रेंड एम के। थैंक यू, बाय बाय।